मस्ती के दिलवा के जादू बड़ी। हेलो दोस्तों, अगर आप लोग भी अपने सिंपल से फोटो को ऐसे ही सुंदर स्टेटस बनाना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले। तो आइए बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले काइनमास्टर ओपन करेंगे तो आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। उसके बाद इमेज एसेट पर क्लिक करेंगे। देखिए, इमेज एसेट पर क्लिक करके ब्लैक वाला कलर पर क्लिक करके इसको जितना देर तक आपको व्हाट्सएप स्टेटस बनाना है उतना लंबा कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, यहाँ से बैक कर देंगे, फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडियम पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस फोटो से आपको स्टेटस बनाना है उस पर क्लिक करके यहाँ ला देंगे। स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद फुल पर कर देंगे। आप डबल फिंगर की मदद से भी अपने फ़ोटो को जूम आउट या जूम इन कर सकते हैं। फिर इस फोटो को अपने वीडियो के जितना लंबाई है वहाँ तक इसको भी लंबा कर लेना है। फिर यहाँ से बैक कर लेना है, लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद हमने पहले से ही बना के रखा है ब्लू ग्रीन स्क्रीन टेम्परेट, हमने अपने YouTube पर भी इसको डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके अपने वीडियो में लगा सकते हैं। फिर स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद फुल कर लेंगे। उसके बाद क्रोमा की पर क्लिक करेंगे। देखिए, यहाँ क्रोमा की पर क्लिक करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो यह ब्लू वाला ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन वाला बचेगा और यह दोनों को 50-50 रखेंगे जिससे अच्छा से कट हो। देखिए, यहाँ पर इस प्रकार से आपका दिखाई देने लगेगा। हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के देख लेते हैं और इसका आवाज़ भी है तो उसको बंद कर देंगे। देखिए, अब यहाँ से हम आपको चला कर दिखाते हैं तो इस फोटो पर सिर्फ ग्रीन वाला ही स्टार का फोटो आएगा। अब हम इसको सेव कर लेंगे। देखिए, यहाँ से सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यह हमारा सेव हो जाएगा। अब हम यहाँ से बैक कर लेंगे, उसके बाद फिर यहाँ आ जाएगा। अब यह दोनों डिलीट कर देंगे, ब्लू स्क्रीन भी डिलीट कर देंगे, यहाँ साइड में डिलीट कर देंगे। फिर फोटो पर भी क्लिक करेंगे तो साइड में आ जाएगा, डिलीट कर लेंगे। फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे और दूसरा फोटो जो आपको बनाना है उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आ जाएगा। अब स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद फुल पर क्लिक करेंगे तो फुल हो जाएगा और इस फोटो को भी लंबाई आपको जितना स्टेटस बनाना है उतना ही कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए, यहाँ से फिर थोड़ा फिल्टर लगा देंगे कि फ़ोटो अच्छा दिखाई दे। कोल्ड पर क्लिक करके 4 नंबर पर क्लिक करेंगे और इसको थोड़ा कम कर लेंगे, 86 कर लिए। अब सिंगल फिंगर की मदद से भी आप अपने फ़ोटो को एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ से एडजस्ट करने के बाद बैक कर लेंगे, फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो आप अभी सेव किए हैं वो अपने आप काइन मास्टर लिख करके एक फाइल में आ जाएगा। उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा। फिर स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, फुल पर कर लेंगे। अब यहाँ से बैक कर लेंगे, फिर आपको इस प्रकार से दिखाई देगा। फिर यहाँ से क्रोमा की पर क्लिक करेंगे और इसको ऑन कर देंगे तो अब ग्रीन हट जाएगा और पीछे वाला फ़ोटो आपको अच्छे से दिखाई देने लगेगा। तो फिर यहाँ से बैक कर देंगे। अब मैं आप लोगों को थोड़ा चला के दिखाता हूँ, देखिए कितना अच्छा दिखेगा। फिर से हम यहाँ और सेटिंग करना बहुत बाकी है। फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया में क्लिक करेंगे, उसके बाद से फिर व्हाइट वाला एक कलर फ़ोटो लेके आएंगे, इसको भी स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करके फुल कर लेंगे। फिर यहाँ से बैक कर देंगे और इस फोटो को भी अपने वीडियो की लंबाई इतना लंबा कर लेंगे। फिर अल्फा ओपेसिटी पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ अल्फा ओपेसिटी पर क्लिक करके इसको कम कर लेंगे, ठीक है। यहाँ 47 रख लिए हैं, अब इसको यहाँ से बैक कर देंगे। फिर से ओवरऑल एलिमिनेशन पर क्लिक करने के बाद फिल्कर पर क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट आपको इस प्रकार से वीडियो में दिखाई देने लगेगा। फिर से इसको बैक कर लेंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, उसके बाद मीडिया पर क्लिक करेंगे और लाएंगे ब्लैक स्क्रीन टेम्परेट। यह भी आपको YouTube पर बहुत आसानी से मिल जाएगा, आप वहां से ब्लैक स्क्रीन टेम्परेट करके सर्च मारेंगे तो आ जाएगा। अब यहां आ गया, इसको यहां रख के फुल कर लेंगे। उसके बाद से फिर से ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देखिए चलेगा तो इसका इफेक्ट इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद बैक कर लेंगे, देखिए फिर यहाँ से इसमें भी आवाज़ रहता है उसको बंद कर लेंगे और बैक कर देंगे, ठीक। फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद नीचे हैंडराइटिंग पर क्लिक करेंगे, यहाँ जो पेन है उसको हम भैंस कर लेंगे, देखिए, और कलर को भी ब्लैक कर लेंगे, कलर पेन को भैंस कर लेंगे और सबसे नीचे इसका साइज है इसको सबसे बड़ा कर लेंगे और फोटो पर थोड़ा रफ कर देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप रफ कर लीजिएगा, देखिए रफ होने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, बैक कर देंगे और इस पर क्लिक करके
जूम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा जूम कर लेंगे और नीचे से इस प्रकार से आप सेट कर लेंगे, ठीक। और इसको भी अपने वीडियो की लंबाई इतना लंबा कर लेंगे, ठीक। देखिए यहाँ लास्ट तक कर लिए। और जो हम ब्लैक स्क्रीन टेम्पलेट यहाँ लगाए हैं, इसका हाइट कम है, इसलिए इसको डुप्लीकेट करके दोबारा फिर से इसके बाद लगा देंगे। देखिए यहाँ से डुप्लीकेट करेंगे, क्लिक करेंगे यहाँ से, और डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे तो डुप्लीकेट हो जाएगा, यानी यह दो बार हो गया। और फिर इसको एक फिंगर से क्लिक किए हुए आगे बढ़ाएंगे तो यह आगे बढ़ जाएगा, और उसके बाद से जो पहले का अंत और दूसरे का शुरू करके सेट कर देंगे। फिर से लेयर पर क्लिक करेंगे और उसके बाद से मीडिया में क्लिक करेंगे, और उसके बाद से कोई भी गाना जो आपको लाना है पहले से YouTube पर सर्च करके मारिएगा ब्लैक स्क्रीन या वाइट स्क्रीन लायरिस, साथ में गाना भी सर्च मारिएगा तो आ जाएगा। उसके बाद ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद जहाँ आप लगाए थे नीचे राइटिंग उसी के पास ला के इसको थोड़ा जूम कर लेंगे। देखिए हम जूम कर लिए हैं। अब मैं आप लोग को चला के थोड़ा दिखाता हूँ हो जाने के बाद कितना अच्छा दिखाई देगा, लेकिन अभी बॉर्डर नहीं है तो बॉर्डर लेके आएंगे, लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया में जाएंगे, और इसको बॉर्डर हम पहले से ही डाउनलोड करके रखा है, यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, और इसको यहाँ लेके आ जाएंगे। फिर स्लिप्ड स्क्रीन पर क्लिक करके फुल पर क्लिक कर देंगे, और डबल फिंगर के मदद से भी इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद से इसको बैक कर देंगे, फिर से ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, देखिए ब्लेंडिंग पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करेंगे तो यह हो जाएगा। दोस्तों इसमें साउंड भी रहता है, इसको भी बंद कर देंगे, ठीक। और यहाँ से वीडियो सेव कर लेंगे, देखिए वीडियो मेरा इक्वालिटी के अनुसार करके और सेव एज वीडियो पर क्लिक करेंगे तो यह वीडियो सेव हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं।